अस्पताल पर चले गए हैं डॉक्टर्स। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में डॉक्टर पर हमला हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स पिटाई के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी हैं, यानी कि ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं दोनों ही प्रभावित नजर आ रही हैं। 5 अस्पतालों में दिल्ली में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद लगातार दिल्ली में डॉक्टरों के साथ मार पिटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीती रात दिल्ली के दो अस्पताल, दिल्ली सरकार के दो बड़े अस्पताल हैं, जिसमें डॉक्टरों के साथ न सिर्फ हाथापाई हुई है बल्कि बुरी तरह से पीटा गया है, जिसकी वजह से दोनों अस्पताल लोकनायक अस्पताल और महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है। अभी मौजूद है लोकनायक अस्पताल में, जो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, और हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर जेना बताएंगे कल रात क्या हुआ। एक 53 ईयर ओल्ड पेशेंट था, मेल पेशेंट, वो प्रायर नोन कार्डियक डिजीज का पेशेंट था। उसको रात को पेशेंट को लाया गया अराउंड 10:30 के अराउंड, हमारी कैजुअल्टी ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे। तो पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक आया था, MI था, तो उसको जो भी मैनेज करके नीचे उसको ऊपर रेफर किया गया मेडिसिन इमरजेंसी में, जो थर्ड फ्लोर पे। मेडिसिन इमरजेंसी में जब पेशेंट आया तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स को काउंसिल भी कर दिया गया कि ऐसे है, हाई रिस्क पेशेंट है और पुराने, इसको काफी कोमोबिडिटीज हैं, तो उसके वजह से पेशेंट कैन गो इनटू शॉक और एक्सपायर कर सकता है, ये बता दिया गया था पेशेंट के रिलेटिव्स। हाफ एन आवर के बाद हुआ भी ऐसा ही, तो पेशेंट को रिवाइव करने के लिए काफी एफर्ट्स डाले गए और नहीं हो पाया रिवाइव। तो इस रिवाइव पेशेंट को जब डिक्लेयर कर दिया कि एक्सपायर कर गया, उसके बाद फिर कुछ रिलेटिव्स ने वहाँ पे हंगामा स्टार्ट किया और एक रिलेटिव ने हमारे एक जो थर्ड ईयर रेजिडेंट है उनके साथ फिजिकल असॉल्ट हाथापाई करी, तो उसमें जो भी हमारे रेजिडेंट थे उनको इंजरी हुई है। अभी उनकी हालत कैसी है? ही इज ओके, बट ऑब्वियसली ही हैज सफर ट्रॉमा, एंड कल रात को ड्यूटी पे भी था, एंड आई डिड नॉट स्टॉप द इमरजेंसी इन द नाइट ताकि बाकी पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, तो ही हैज डन हिज ड्यूटी ऑल्सो, और उसके बाद ही इज नाउ फाइलिंग द कंप्लेंट एंड एवरीथिंग। तो कोई ऐसे अभी जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें और डिटेल पता चलेगा, बट एज सच कोई ऐसे ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई है, बट ही हैज बीन असॉल्टेड। लेकिन लगातार जिस तरह से पीटे जा रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आई, हिंदू राव, महर्षि वाल्मीकि, लोकनायक, ये भी सुनने में आ रहा है कि लोकनायक में एक ही रात में दो घटना हुई कल रात में, तो इस तरह से कहा जाए महिला डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर, दोनों बुरी तरह से जो है डरे हुए हैं, क्या कहेंगे आप लोग, क्या हुआ था? हमारे वार्ड में एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट एडमिट थी, उसके साथ एक फीमेल अटेंडेंट थी, तो हमारे जूनियर फीमेल तीन डॉक्टर्स थे तब वार्ड में, तो उनकी कुछ बहस हुई डॉक्टर से, तो थोड़ी देर के लिए फीमेल अटेंडेंट वहां से वार्ड से गायब हो गई। तो उसके बाद 10 मिनट बाद हमें पता चलता है कि करीब 10 से 20 औरतें बुरखे के अंदर हमारे वार्ड में घुस आई, और हमारी जो फीमेल डॉक्टर थी उनको डॉक्टर्स रूम में बंद होना पड़ा, और दे वर लिटरली लाइक थ्रैशिंग द डोर्स, एंड शी हैड टू लाइक सेव हर लाइफ, सो शी हैड टू कॉल ऑल ऑफ अस फॉर हेल्प। सो हम सब वहां पर आए हैं, तभी भी वो लोग पीटने के लिए तैयार थे। हमारी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड, उनको गर्दन पे एक चोट का भी निशान आया उसके बाद, तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमें बीइंग अ फीमेल वी हैव टू डू द ड्यूटी, 24-hour duty, रात में अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव लाइक स्टडीड फॉर लाइक मोर देन 7-8 years, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि हम अगर ड्यूटी पे हैं, वी आर नॉट सोल्जर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी डोंट हैव आर्म्स, वी कैन नॉट हार्म एनीबडी, वी आर देयर टू सेव देयर लाइव्स। बट अगर सामने वाले इंसान को ये नहीं समझ में आएगा कि हम आपके साथ है, रेदर देन दे लाइक दे थिंक कि हम आपके दुश्मन हैं, तो इस सोच आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि हमारी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंस रखती है। बिल्कुल, दुश्मन है, क्या इस माहौल में आप लोग काम कर पाएंगे? दिस इज वेरी अनसेफ, बहुत अनसेफ, अनसिक्योर एनवायरमेंट है। वैसे भी हमें पता नहीं चलता कि किस पेशेंट के साथ कितने अटेंडेंट्स हैं, तो वन पेशेंट वन अटेंडेंट पॉलिसी इज समथिंग दैट शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, एंड हमारे कुछ डिमांड्स हैं जो हमारे RDA ने रखे हैं, वी आर वेटिंग फॉर देम टू बी फुलफिल्ड। मार्शल्स एम्प्लॉय करने के लिए बोला गया है, विच इज आर प्रायोरिटी एट दिस टाइम। बिल्कुल, मार्शल की डिमांड हो रही है। डॉक्टर आप बताएंगे, आप लोग के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई होगी, उन्होंने क्या आश्वासन? एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ये कहा है कि फर्दर दिल्ली सेक्रेटरीएट से जाके बात करनी है, हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग है अभी हमारी, वहां पे मार्शल्स का इशू टेकअप करेंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि मार्शल्स जल्दी से जल्दी हमारी सुरक्षा के लिए लाए जाएं। आप लोगों ने किन किन एरिया में हड़ताल आप लोगों ने जारी रखा है और कब तक चलेगा? फिलहाल लोकनायक हॉस्पिटल के साथ जितने एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे GB पंत है और
सोशल ट्रॉमा सेंटर है, गुरु नानक आई सेंटर है और लोकनायक, चार हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी और रूटीन सर्विसेज को भी सस्पेंड किया गया है, इमरजेंसी भी ठप कर जी। कैसे काम चलेगा डॉक्टर साहब, सरकार की नींद नहीं खुल रही है, प्रशासन जो है सो लगातार आप लोगों को कहते हैं मार्शल, 103 मार्शल आया हुआ था मुझे जितना याद है क्योंकि मैं रेगुलरली कवर करता हूं, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आता, अभी भी देखेंगे तो कहीं नजर नहीं आता। जो मार्शल्स पिछली बार बुलाए गए थे वो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बुलाए गए थे, ऐसा हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया, और ड्यू टू नॉन पेमेंट या किस कारण की वजह से हमें नहीं पता, उनको 3 महीने में वो चले गए। उसके बाद से हम रेगुलरली मार्शल्स की डिमांड कर रहे हैं और रेगुलरली इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तब भी मार्शल्स नहीं मंगाए जा रहे हैं, इसीलिए हमें ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ रहा है। ये हड़ताल जारी रहेगी, अभी फिलहाल हेल्थ सेक्रेटरीट में मीटिंग है, उसके बाद अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है और मार्शल्स का प्रावधान किया जाता है तो फिर स्ट्राइक कॉल ऑफ हो सकती है, अदरवाइज फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से रेजिडेंट डॉक्टरों की डिमांड है कि ये बुरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हादसे लगातार इनके साथ हो रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई है। बता दूं कुछ साल पहले लोकनायक अस्पताल में 103 मार्शल की नियुक्ति का लिखित में आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है, डॉक्टर्स पीटे जा रहे हैं, मरीज हड़ताल की वजह से परेशान है, और ऐसे में डॉक्टरों की यही मांग है कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक इसी तरह उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। और हमारे साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे हमारे सहयोगी मनोहर केसरी, हमारे साथ लाइव एनएनजेपी अस्पताल के बाहर से जुड़ रहे हैं। मनोहर मुझे ये बताइए, एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल है, दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं जितने पेशेंट्स हैं बेहाल हैं क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप हुई हैं, ऐसे में जो वहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ कुछ अगर बुरी बात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए प्रतिक्रिया आई है? 4 से 5 अस्पताल के डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक पर चले गए हैं तो? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मरीजों की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई है, वो एक एक सांसें गिन रहे हैं। अभी हम इमरजेंसी के बाहर, ये लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी है और यहाँ आप हालत देखिए कितनी बदतर हालत है, मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं लेकिन अंदर उन्हें नहीं लिया जा रहा है, और जो पहले से मरीज एडमिट है उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। ये देखिए, ये हालत देख करके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मरीज किस तरह से इलाज के लिए इमरजेंसी के बाहर दर्द ठोकर खा रहे हैं लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है, परेशान है। 5 बड़े अस्पताल दिल्ली सरकार के हैं और 5ों में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं, लगातार उनके साथ जो मारपिटाई की घटना हो रही है। ये देखिए मरीज, आप कुछ बात कर पाएंगे, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? नहीं सर, घर जा रहा हूँ। क्यों घर जा रहे हैं सर? जो भी थोड़ा मोड़ा होना था वो हो गया, बाकी अब घर जा रहा हूँ। यहाँ हड़ताल की वजह से डिस्चार्ज कर दिया गया? हाँ जी सर। मनोहर, हम चाहेंगे आप सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाएं, अगर वो सुध लेने की कोशिश करें कि ये हाल है, पेशेंट्स वहां पर आ रहे हैं लेकिन बिना इलाज के वो वापस जा रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं अस्पतालों में। इस बड़ी खबर पर हमारी